सच्चाई है कि अगर आप हद से ज़्यादा लोगों से प्रेम करेंगे तो यकीनन आपके पास हद से ज़्यादा संकट भी होंगे, क्योंकि वो जो किसी से प्रेम नहीं करते उसके पास एक भी संकट नहीं है। ज़िंदगी को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही लगे तो माफ़ी मांग लीजिए और सही लगे तो माफ़ भी कर दीजिए, क्योंकि सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर ज़िंदगी को मीठा कर देते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये मनुष्य होने की पहली शर्त है, वरना एक पशु तो कभी मुस्कुरा ही नहीं सकता। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि क्रोध में दिया गया आशीर्वाद भी बुरा लगता है और मुस्कुराकर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं। माचिस की तीलियों का भी कुछ अलग ही खेल है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि एक जैसी ही दिखती है माचिस की तीलियाँ। कुछ ने महकाई अगरबत्तियाँ मंदिरों में, तो कुछ ने सुलगाई सिगरेट के कश। काजल कभी नवजात शिशु का बनाया, तो शमशान में किसी चिता को जलाया। जला आग ठिठुरती ठंड में किसी गरीब को बचाया, तो बन के बॉन फायर कभी रहीसों को रिझाया। एक ही दिखती है माचिस की सभी तीलियाँ, पर सभी ने अपना एक अलग ही रंग दिखाया। किसी व्यक्ति ने क्या खूबसूरत बात कही है कि इतनी ऊंचाई न देना प्रभु मुझे कि धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियाँ भी न देना कि दुख पर किसी के हंसी आने लगे। मुझे नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका मैं निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख देख जल जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे न देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना जो लोग को छलने लगे। कि ख्वाहिश नहीं मुझे ज़्यादा मशहूर होने की, आप मुझे जानते हो बस इतना ही काफ़ी है। बहुत ही बुरी बात है कि लोग समझते ही नहीं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। सच्चाई है कि पहले लड़ना रूठना मनाना रोज का काम था, लेकिन अब तो समय ऐसा आ गया है कि हमारी पहली तकरार ही हमारे रिश्तों को ख़त्म कर देती है। आज मतलब की दुनिया है, यहाँ कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। किसी ने क्या बेहद आकर्षक बातें लिखी हैं कि कुछ अलग कर गुजरने की केवल सोच भर पे ये दुनिया वाले उंगली उठाने लगते हैं, पर सफल हो जाने पर मैंने उन्हीं को अपने आगे झुकते देखा है। जिससे उम्मीद ना हो वो तक बुरे से बुरे वक्त में काम आ जाते हैं, मैंने करीब रहने वालों को भरोसा तोड़ते देखा है। जब तक वक्त और मौका है उसे भुनाने की कोशिश कर लो, मैंने वक्त गुजर जाने पर लोगों को वक्त के लिए तड़पते देखा है। परिस्थितियां हमेशा हमारे हक में नहीं होती, बुरे वक्त पर कभी किसी की भावनाओं से मत खेलना। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद पर रोते देखा है। गलती करना तो मानव का स्वभाव है, माफ़ करना सीखो, क्योंकि अकड़ में रहने वालों को मैंने तन्हाई में टूटकर बिखरते देखा है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती। जीवन में कुछ पाने के लिए चाहे जो रास्ता आप अपनाते हैं, उनमें बस इतना ख्याल रखिएगा कि वो रास्ता किसी का दिल तोड़ते हुए ना निकलता हो। किसी से नाराज़गी इतनी गहरी भी ना रखिए कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और जब कोई आपकी वजह से मुस्कुराता है तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। कड़वी सच्चाई है कि रिश्ते और नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी हैं जिसमें जिस जिस का स्टेशन आता जाता है वो उतरता जाता है।
हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना तो पसंद करते हैं लेकिन झुकना कभी नहीं। सच्ची बात है, आप हार सकते हैं बार बार, हार के कोशिश भी कर सकते हैं कई बार। अगर किसी से गलती होती है तो उसे माफ़ भी कर सकते हैं बार बार, लेकिन भरोसा एक के बाद दो बार नहीं कर सकते। किसी संत ने एक मनुष्य से कहा कि कठिन समय के दौरान अगर मनुष्य धैर्य से काम ले तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। इस पर मनुष्य ने पूछा कि क्या धैर्य से छलनी में पानी भरा जा सकता है? फिर संत ने बहुत ही नम्रता के साथ कहा कि अगर पानी के बर्फ बनने तक धैर्य रखा जाए तो यह भी संभव है। जीवन में समस्याएं लाल बत्ती के सिग्नल की तरह होती हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखो, वो हरी हो ही जाएगी। धैर्य से आप वह भी प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी पेड़ पर आप 100 खड़े पानी भी क्यों ना सींच दें, लेकिन उसमें फल तो उसके मौसम आने पर ही लगेगा। आज एक इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्तों में होनी चाहिए वो हम लोगों के दिमाग में चल रही होती है।